जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत की दरख्वास्त खारिज, शिकायत करिंदा आमना मलिक की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आमना मलिक को नाकाबिले यकीन खातून करार दे दिया। ये भी करार दे दिया कि उन्होंने बदनीयती से मालूमात ली, लेकिन ये आमना मलिक कौन है, उन्होंने मालूमात कैसे और किस से ली। 46 साल आमना मलिक लॉरेंस रोड लाहौर की रहायशी हैं। आमना मलिक मारूफ वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट के एसोसिएट की अहलिया हैं और इस बात का एतराफ उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूबरू किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करार दिया है कि शिकायत कुनिंदा आमना मलिक एक नाकाबिल यकीन औरत हैं, जिसने बदनीयती से ये मालूमात ली हैं और उसने हमारे अक्सर सवालों के जवाब में सच बयान नहीं किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रूल 12 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की दफा 363 के तहत आमना मलिक का बयान कलमबंद किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस एजाज अल अहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस अख्तर अफगान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट पर मुश्तमिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत की समाअत की थी।